थोड़ा सा इसको प्यार कर दो और बाहों में। अब कहाँ चोट लगा है? चोट नहीं लगा है, मैं एक्चुअली इसका टिक ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, कोई कोई कुछ भी करता है ना, तो ऐसे कर करके बीच बीच में टिक ढूंढना पड़ता है इसका, ताकि कोई अगर वैसे टिक कोई हो जाता तो टिक फीवर हो जाता है इनको, अगर बहुत दिन तक टिक रहेगा निकला नहीं तो। ऐसे करके छूता रहता हूँ, कहीं पर अगर ऐसे निकलता है ना तो फिर उसको पकड़ के निकाल लेता हूँ, और उसको मज़ा बहुत आता है इसमें। वो तो इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है इसको कितना मज़ा आ रहा है इस टाइम। थोड़ी देर पहले मेरे से पैर दबवा रहा था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह नहीं बज रहे, दोपहर के एक, और सुबह हो जाती है, ऑफिस का काम चल रहा था, और फिर अभी मैं मैक्स की सेवा कर रहा हूँ। कभी फिशेज की सेवा करता हूँ, कभी मैक्स की सेवा करता हूँ, कभी बाबू की सेवा करता हूँ, यही सब करता हूँ। बीवी की भी सेवा कर लो। बीवी की सेवा करता हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादा करता था, अभी कोई ज़रूरत नहीं है सेवा करने की, है ना। तो बस ऐसा ही है, सुबह सुबह यही सब चलता रहता है और मज़ा आता है इन सब में। तो अभी मैं मैक्स की टिक निकाल रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ टिक मिला नहीं मुझे, विच मीन्स कि ये इज डूइंग ए गुड जॉब। बट फील्ड में जाके लौटता तो है, पर आवारा कुत्तों के साथ खेलता भी है, लेकिन इस बारे तक ठीक नहीं है। मजा कितना आ रहा है, मुंह ऊपर करके शहंशाह समझ रहा है अपने आप को, ये राजा तो। है राजा। किसी ने कमेंट किया था हमारे वीडियो पे कि वीडियो का सुपरस्टार है, वीडियो का नहीं हमारे घर का सुपरस्टार है ना मैक्स। आज मैं इसको निकालने आया हूँ, क्योंकि इसको चालू करना है, 2 महीने हो गए इसको स्टार्ट नहीं किया है। धूल देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कितना ज़्यादा धूल हो गया इसमें, तो इसको अभी निकालते हैं। भाई साहब बहुत, ये तो बाइक मेरे को गालियाँ ही देती होगी कि भाई मेरे को ले के इसने रखा हुआ है, बस चलाता है नहीं। देखो सब बुरा हाल हो रखा है, लेकिन इसको मैं यहाँ चालू नहीं करूँगा, बाहर ले जाकर चालू करूँगा, सो दैट अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकूँ। तो मैं इसको यहाँ से अभी बाहर की ओर लेके जाता हूँ। तो जब तक मैं इसको सही नहीं कराऊंगा तब तक इसको राइड नहीं कर सकता ऑब्वियसली, बिकॉज ऑयल लीकेज हो रहा है। तो ऑयल लीकेज वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व कराने के लिए मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली कीर्ति नगर ले जाके, क्योंकि मैं और कहीं भी काम नहीं कराता हूँ, सीधा बजाज के शोरूम में, वहाँ पे शिवदयाल जी हैं, सिर्फ उन्हीं से काम कराता हूँ, और बाकी लोगों से मैं एक्सपेरिमेंट करा नहीं सकता। तो मैं वहाँ जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, दैट इज़ द रीज़न कि ये ऐसी खड़ी है, चला नहीं पा रहा हूँ इसको। लेकिन अभी मैं इसका हाथ लगा के इसको विद इन अ वीक और टू सही करा लूँगा, सो दैट आई कैन राइड दिस बाइक मोर ऑफन। सो आफ्टर ओपनिंग आई गॉट टू सी दिस इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है, और अभी भी यहाँ से ऑयल एक्चुअल में गिर ही रहा है। तो इसमें से हो रहा है और इसमें से हो रहा है, विच मीन्स कि इसका जो गैस्केट है, गैस्केट में ही प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ ओनली रीज़न कि ऑयल लीकेज हो रहा है। तो अभी मुझे ये पूरा ओपन करवा के ये गैस्केट लगता है इसके अंदर, वो गैस्केट पूरा चेंज कराना पड़ेगा, और तब मुझे देखना पड़ेगा अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर तो चैम्बर का प्रॉब्लम है, और चैम्बर है लंबा खर्चा। गैस्केट तो चलो भाई 2-2.5 हज़ार रुपये में हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर लंबा खर्चा है। चलो फिलहाल इसको चालू कर लेते हैं और फिर देखते हैं। चेन का भी बिल्कुल बुरा हाल हो रखा है, ड्राई है। वैसे तो मैंने लास्ट टाइम इसको क्लीन कर दिया था तो गंदा तो नहीं है, बट ड्राई हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसको चलाया नहीं है उसके बाद। तो चेन साफ़ है बट चेन ड्राई है, और देखो यहाँ से ऑयल लीकेज अभी भी चालू है। अब इसमें भाई साहब 2 महीने बाद आज मैं चाबी मार रहा हूँ, और अब देखते हैं कि बाइक हमारी जो है वो शुरू होती है कि नहीं। 1 2 3 गो। वाओ वाओ जस्ट वाओ। 2 महीने बाद मैंने आज चाबी मारी है और बाइक एक चाबी में शुरू हो गई है, इस मीन्स कि बैटरी बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, बढ़िया है। की प्रॉब्लम बच जाइए, ऑयल लीकेज हो रहा है उसी को शॉर्ट आउट कराना है, उसके बाद बाइक विल बी गुड टू गो। और जब तक ये बाइक सही नहीं होती है ना, मेरा एक ध्यान लगा रहता है बाइक में ही कि उसको सही कराना है, सही कराना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है बस। और एक बार ये सही हो जाएगी उसके बाद फिर मैं अपने ब्रेकफास्ट राइड पर जा पाऊँगा, मॉर्निंग राइड जो संडे को होती है, सैटरडे संडे वीकेंड राइड जो भी होती है वो सब मैं कर पाऊँगा। तो अब मुझे इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। 6 hours later इसको देखो, शाम के 5:30 हो रहे, अविनाश चले गए नहाने और मैं सो रही थी, आके मेरे पास इसने ये रख दिया, कह रहा है खेलने के लिए। अब कोई कैसे खेलेगा, सुनो ये लो, नहीं खेल रही मैं तुम्हारे साथ, मुझे खेलना ही नहीं है गंदा बाबू के साथ। इधर आओ, लो ले लो। ये भोला सा चेहरा आप सब लोग को क्यूट लगता है या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कमेंट करके। इन दोनों ने बहुत जिंदगी बर्बाद कर रखी है, जरा देखा जाए। अब ये देखो, ये सामने एक आपको जर्मन शेफर्ड दिख रहा है, पहले भी हमने दिखाया है व्लॉग में, भाई इनकी जो ऑनर है इनको बाहर छोड़ देती है,
और ये ऐसे भौंकते हैं ना आसपास में बालकनी वालों को, पता नहीं इसका क्या ही प्रॉब्लम है। मैक्स गुस्सा करो तो जरा, उसको गुस्सा करो। हट हट हट, देखो बस अब दोनों से हट। डे बाय डे अब ये भी अपनी अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर रही है, रिएक्ट करने लग गई है मेरी लाडो चीज़ों पे। हाँ अभी ये बंद हो गया था तो आवाज़ें निकाल रही थी अपने मुंह से। हाँ क्या हो गया इसको देख लो, ये कितने इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये अभी झूले में लेटी हुई थी, हल्की सी उल्टी हो गई, मम्मी ने क्या उधर से बोल दिया कि उल्टी हो गई है, तुरंत आया है भाई बचाने इसको। क्या हुआ जी बाबू को, उल्टी हो गई थी? मैं सीधा कर दूं, कर दूं सीधा, परमिशन हो तो। हाँ। तुम क्या झूले झूल रहे हो इसमें? कंसर्न इसको इतना है, तुरंत आया देखने के लिए कि क्या हो गया। जैसे मैं बोली बाबू उल्टी हो गई, तुरंत आया, जैसे इसको सब समझ में आता है। वैसे ऐसे सुलाया था इस पलटी में? नहीं पलटी में तुमने सुलाया था ना, ये बिल्कुल ऐसे हो गई थी, अपसाइड डाउन हो गई थी। ऊपर हो गया और नीचे हो गया। क्या हुआ, क्या हो गया जी? उठाई लेती इसको, भी दूध पिएगी। हाँ मुंह भी चला रही है, मुंह भी चला रही है। देखो इसको देखो, उसको नहीं अच्छा लगता पैर चटवाना। कितनी बार एक बात को बोलने का, उसको वो इतनी बिग नहीं है, आपका टॉय नहीं उसको समझ में आएगा। दूध पिला देते हैं ना, टाइम हो गया ना उसके दूध का, मैं दांत ले लेती हूँ। आप इसको दूध पिला लो, मैं उधर चावल देख रही हूँ। ओके okay।